बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को कैलकुलेटर इस्तेमाल करना सिखाऊंगा, हाउ टू यूज़ कैलकुलेटर। ये मेरे पास कैलकुलेटर पड़ा है, साइंटिफिक कैलकुलेटर है। पहले हम कैलकुलेटर का कैप हटा के कैलकुलेटर कैप को साइड पे रख देते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताने वाला हूँ कुछ फंक्शन, जैसे कि कंट्रास्ट सेटिंग होगी। अब मेरे कैलकुलेटर में वैसे कंट्रास्ट सेटिंग थी, लेकिन इसमें कुछ ख़राबी है इसलिए मेरी कंट्रास्ट सेटिंग नहीं हो रही। मैं वैसे आपको दिखा देता हूँ। शिफ्ट डुबाएगी आप, मूड डुबाना है, फिर उसके बाद ये वाला बटन है ना, इससे आपने नीचे करके शिफ्ट को दबाना है, फिर आपकी कंट्रास्ट सेटिंग हो जाएगी। आप आगे पीछे जो भी सेट करना चाहे कर सकते हैं। मेरी ख़राब है कुछ कैलकुलेटर में, कुछ प्रॉब्लम है इसलिए मैं नहीं कर पा रहा, लॉक हो गई सेटिंग। तो अगली सेटिंग है लॉक की, जैसे लॉक लेना, हमारा यूनिट 3 भी था लॉक। लॉक कैसे लेते हैं, तो पहले हम यूनिट 3 अपना खोल लेते हैं। ये आपके सामने बुक है, ये 3.1 है। पहले तो साइंटिफिक नोटेशन है, 3.1 में कुछ नहीं, हम 3.2 पे चलते हैं। तो इसमें कॉमन लॉगरिथम का चैप्टर है। तो अब इसकी हमने लॉक कैसे ले गए, पहले तो ये कैलकुलेटर आपके सामने रखता हूँ, थोड़ा नीचे कर लेते हैं, ठीक है। पहले हम लॉक को क्लिक करेंगे, सिंपल लॉक को। अब वैल्यू हमारे पास 232.92, ये हमारे पास वैल्यू थी। अब हम इसको इक्वल को दबाएंगे तो ये हमारे पास लॉग आ जाएगा। हमारे पास जो लॉग है 2.36720 है, ये आप देख सकते हैं लॉग जो भी है। अब मैं आपको बुक के पीछे ऐसा दिखाता हूँ कि आंसर ठीक आया कि नहीं। मेरी बुक कुछ ज्यादा ही बड़ी है इसलिए ढूंढने में प्रॉब्लम हो रही है। 3.2। अब आप ये देख सकते हैं वही आंसर आया 2.3672। इस तरह ऐसे लॉग लिया जाता है। अब हम आगे अपने किसी फंक्शन की तरफ चलते हैं, ठीक है। आगे फंक्शन कंट्रोल सेटिंग, जैसे आप ये भी देख सकते हैं कैलकुलेटर के यहाँ पे भी कंट्रोल सेटिंग दी गई है किस तरह। अब हम चलते हैं कैलकुलेटर को दोबारा रीसेट, मतलब रीसेट कैसे करते हैं। जैसे अगर आपके कैलकुलेटर में कोई प्रॉब्लम आ जाए तो किस तरह रीसेट करते हैं। पहले आपने शिफ्ट को दबाना है, शिफ्ट 9, एक शिफ्ट 9 3, ये देखें शिफ्ट 9 को दबा दिया। अब हमारे पास ये 3 का ऑप्शन है, सेटअप है, मेमोरी है, 1 सेटअप, 2 मेमोरी, 3 और ऑल है। हमने 3 पे क्लिक करना है और इक्वल को दबा के यस कर देना है। ये हमारा कैलकुलेटर रीसेट हो गया। फिर हमने एसी को दबा देना है। ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। इस तरह की एक और वीडियो मैं इस टॉपिक पे एक और वीडियो बनाऊंगा। अगर आपने देखनी है तो मुझे कमेंट करके बताए। जल्दी से जाए नीचे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ लगे बेल आइकन को भी दबा दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।